कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे एक मंदिर के बारे में जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है ये बागपत ज़िले के। आप लोग इधर देखिएगा, पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है जैन अकेडमी, तो इस वर्ड से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी टेम्पल्स आपको मिलने वाले हैं सब जैन टेम्पल हैं। और यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो भी मंदिर है वो इसी डोमेन के अंदर मिलेंगे। इसका जो जगह का नाम रखा गया वो है रावण पहले नाम था और अभी इसको बड़ा गांव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बड़ा गांव जो कि बागपत ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल मिलेंगी, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले जैन अकेडमी है, उधर भी टेम्पल है, इस साइड भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अंदर भी आप लोग आपको अंदर हम विजिट कराएंगे, अभी दिखाएंगे आपको हम सारी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये एंट्री द्वार है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते आइए। दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं जैन मंदिर के अंदर, तो आप लोग यहाँ से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये आपका मेन द्वार था, यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है, आइए हम थोड़ा दिखाते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या आज का फंक्शन होने वाला है, जैसे आज शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा जो कि सैटरडे और संडे को ही यहाँ पे होता है, तो इसके कुछ चार्जेस हैं वो आपको टिकट में मिल जाएगा। और यहाँ पे भोजन की सुविधा भी मिलती है जो कि अभी ऑन गोइंग है, उसमें आप 75 रुपीज़ में खाना यहाँ पे खा सकते हो कूपन के साथ। इधर आप देख सकते हैं विश्राम भवन भी यहाँ पे बना हुआ है, आइए हम आपको विश्राम भवन भी दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे आप पहले देखिएगा, ये पानी की सुविधा है, बड़े अच्छे से पानी की सुविधा दी गई है, आप विश्राम भवन में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुर्सी भी मिलेगी, आपको लेटने के लिए भी मिलेगा, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी और पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों अभी हम आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं, देखिए आपको सामने टेम्पल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हम लोग उसको अंदर से भी आपको दिखाएँगे, पूरा प्रॉपर आपको भ्रमण कराएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो आने का समय होना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शाम के समय ही आएँ, क्योंकि एक तो दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी समय जो है, क्योंकि गर्मी का समय है तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी दिन में हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे रात को आप आएंगे तो यहाँ पे लाइट शो होता है, 8 बजे आप आएंगे तो सैटरडे संडे को लाइट शो मिलेगा आपको, और उस लाइट शो में आप इसको जगमगाता हुआ देखेंगे, पूरी एक एक लाइट यहाँ पे जली होगी, पूरे जितने फव्वारे चल रहे हैं वो सारे आपको लाइट जैसे फीलिंग होगी, मतलब आपको ये जगमगाता हुआ मंदिर पूरा दिखाई देगा। आइए हम आपको आगे भ्रमण कराते हैं, एक एक करके पॉइंट्स हम आपको बताते चलेंगे। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे यहाँ पे बाग बगीचे लगे हुए हैं जिनमें आप विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आया जा सकता है, आराम से आप लोग इधर उधर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली के साथ आप आएंगे क्योंकि देखो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आएंगे, यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ आपका यहाँ पे बैठ सकते हैं, उधर भी बैठने की जगह है, इधर भी बैठने की जगह है, वहाँ पे भी आपको खाना खाने के लिए भी उधर स्पेस बना हुआ है, वो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, उसमें खाने की पूरी सुविधा की हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी एक एक करके पॉइंट पर चलते हैं मंदिर की तरफ, देखिए श्रद्धालु आते जा रहे हैं, हम लोग उधर कीजिए, शाम को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगती है, ये श्रद्धालु सब आते रहते हैं, अभी लाइन लगनी शुरू हो गई है, अभी आप हम देखेंगे काफ़ी यहाँ पे क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम आप अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा दे देते हैं, मेरे को आप जानते हो, मेरा नाम अंकुश शर्मा है और ये हमारे फ्रेंड्स हैं, एक एक करके मैं आपको इनसे ही मिलवा देता हूँ। आइए ये हमारे मित्र हैं आशीष, ये संदीप पाटीदार हैं और ये देवेंद्र हैं, ये हम सब लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, और आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो उनको भी, उनका नाम है नीरज, तो वो अभी कैमरे के सामने नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, हम आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे, वो आपको हाय कर रहे हैं। कैमरामैन नीरज देखिए मास्क भी लगाए हुए हैं, प्रोटोकॉल का पूरा काम, आइए पालन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये जो फाउंटेन्स हैं आपको नाइट शो में ये बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सारे में लाइट जली हुई होंगी और इसके ऊपर फोकस रहता है लाइट, और इस जगह का अलग ही लुक मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा फोकस मिलेगा लाइट्स का। आगे बढ़ते हैं, फॉलो किया जाए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बैठने की बहुत अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पे, इस साइड भी गार्डन, पूरा गार्डन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, और इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ में आप फल फ्रूट वाले सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो
तो आप लोग वैसे तो यहाँ पे अलाउ नहीं है फल फ्रूट तोड़ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। अमरूद सारा कुछ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आइए देख दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑनगोइंग रहता है। ऑलमोस्ट हर समय पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, कोई ना कोई नया बिल्डिंग या फिर कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन जारी रहता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, सुंदरता बढ़ाने के लिए एक और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। बाकी मैं आपको पावर सोर्स के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे जो पावर सोर्स यूज हो रहा है उसमें मेन इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप लोग उधर देख सकते हैं, थोड़ा आगे आइएगा, हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं तो पूरी छत के ऊपर सोलर लगा हुआ है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम से पूरा यहाँ पे बैकअप मिल रहा है। जितना भी एनर्जी जनरेट हो रही है ऑलमोस्ट सारी सोलर एनर्जी से ही हो रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सोलर एक सोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत बेस्ट सोर्स होता है, रिन्यूएबल हमारा एनर्जी का सोर्स है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों बच्चों के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी है, इसमें बच्चे आप यहाँ पे झूला झूल सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी आके, आप फैमिली के साथ आइएगा, अपने बच्चों के साथ आइएगा, तो उनको भी आप यहाँ पे इंजॉयमेंट करा सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मेन द्वार पे, जो कि हमारा अंदर यहाँ पे मंदिर की मेन शुरुआत होती है। आप लोग देखिए, आप देखिए, आप चारों तरफ से देखेंगे एक तरह से, आप एक बार ऐसे व्यू दिखा दीजिए जरा इसका, आप चारों तरफ से देखेंगे कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। ये तो बीच में फाउंटेन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पानी पूरा अच्छे से भरा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही ठंडा, मतलब ठंडा माहौल फील हो रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी अभी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ठंडी हवा फील हो रही है। दोस्तों आप लोग इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कितने भी अमाउंट में बैठ सकते हैं। आप लोग कोई अगर नॉर्मल फंक्शन करना चाहें, आप दोस्त लोग बैठ के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मंदिर परिसर में थोड़ा अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप भव्य मंदिर देख सकते हैं, इसमें आप देखिएगा बहुत सारी स्टोरी बनी हुई है। ठीक है, कई मंजिल है, कितना मंजिल है, 14 मंजिल का ये इमारत है। ठीक है, इस इमारत को आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप देख सकते हैं इसका, आप देखिए कितने 14 फ्लोर को बनाया गया, और ये देखने में लग भी नहीं रहा है 14 फ्लोर। ठीक है, क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बहुत ही बैलेंस सिस्टम है। आप लोग अगर देखेंगे कि तो नॉर्मल घर को देखा जाता है तो बहुत ही, मतलब 14 फ्लोर में बहुत हाइट दिखने लगती है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया आर्किटेक्ट के द्वारा। बाकी हम आपको ये देवेंद्र जी हैं, ये बताएंगे आपको और थोड़ा सा इसके बारे में, आप थोड़ा इसकी हाइट के बारे में बताएंगे, कितना हाइट हो सकती है। एक्चुअली ये 16 फ्लोर्स का है। ओके, 16 फ्लोर है, 16 का है। इसको और ऊंचा बनना था, पर कुछ अज्ञात कारणों की वजह से ये बन नहीं पाया, पास में एयरपोर्ट होने की वजह से ये बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत हाइट है इसमें और लिफ्ट लगा हुआ है। चलिए हम इसके अंदर चल के देखते हैं एक बार, थोड़ा अगर परमिशन होगी तो यहाँ पे हम आपको जरूर दिखाएंगे, अंदर चल के आइएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है, अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। ठीक है, इधर भी आप लोग झूले वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग झूल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में है, जो कि बड़ा गाँव यहाँ पर पड़ता है, लोकेशन का नाम है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को और कैसी लगी वीडियो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।